करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब दौरे ते ने सो उन्होंने दौरे नूं लैके मुख्यमंत्री चन्नी ते उन्होंने वड्डा हमला किया। दस दिए कि अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे ते ने और इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ते वड्डा हमला किया है कि जिन्हां किसानां दे नाल चरणजीत चन्नी ने फोटोआं खिंचवाईआं जिन्हां नूं मुआवजा देण दा दावा किया उन्होंने ही मुआवजा नहीं दिता गया। आप सांसद भगवंत मान ने भी चन्नी ते विखावा करन दे इल्जाम लगाए। ऐसे कि उन्होंने कहा कि अपना काम छोड़ के मुख्यमंत्री चन्नी सिर्फ तमाशा कर रहे ने सो जमके निशाने जिन्हें ने सूबा सरकार अते मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ते साधे गए ने। अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब दौरे ते ने एक बार फिर तो अते अपने संबोधन दे विच उन्होंने सूबा सरकार ते कई गंभीर इल्जाम लगाए। खास तौर ते निशाने ते रहे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जिसते कि उन्होंने विखावा करन दा भी इल्जाम लगाया। नाल ही उन्होंने कहा कि जिन्हां किसानां दे नाल फोटोआं खिंचवाईआं उन्होंने ही मुआवजा जो है वो सरकार ने नहीं दिता। अजे विचकार भगवंत मान ने भी निशाना जड़ा है चरणजीत चन्नी ते लगांदिया होया चरणजीत चन्नी ते विखावा करन दे इल्जाम लगाए ने। अखबार में मैंने पढ़ा चन्नी साहब नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। चन्नी साहब एक गांव में गए जहां पे गुलाबी सुंडी फसल बर्बाद हुई थी और वहां पे एक किसान को गले लगा लिया, हरप्रीत, उस किसान को गले लगा लिया और बोले मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। सारे गांव के लोग बड़े खुश हो गए, उनको लगे यार अब एक मुख्यमंत्री आया है। अभी एक हफ्ता पहले अखबार में खबर छपी, वो बेचारा हरप्रीत कह रहा है जी गले तो लगा लिया मेरे को, सारी बसों के पीछे फोटो भी चिपका दी मेरी गले लगते हुए। बोले एक महीना हो गया अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जिसको गले लगाया उसको भी मुआवजा नहीं दिया, जिस गांव में गले लगाया उस गांव के लोगों को भी मुआवजा नहीं दिया। ते हुण चन्नी साहब आ गए, एक महीना पांच दिन हो गए करदे की फिर दे है, कोई राह च जांदी डोली वाली कार रोक ली 100 रुपया शगन देता, किसी ज्ञानी के ढाबे ते चाह पी ली, किते तार ढिली लगी पलास ना वह कसती, ये मुख्यमंत्री का काम होंदा यार भाई, स्कीमां बना ते लोगों नूं कोई राहत दे। नहीं जी कहिंदे आही है साडे कोल, तां फिर होर तां कुछ है नहीं।